प्रस्तुत है एक बहुत ही छोटी सी कहानी, एक थाल चांद भरा। इसके लेखक हैं अनंत गंगुला। इस कहानी का वाचन मैं अल्पना वर्मा कर रही हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सुन रहे हैं। वह ठंड का एक दिन था, मैं खेत सिंह के आंगन में बैठा अलाव ताप रहा था। उसके तीनों बच्चे वहीं पास में खेल रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी सो बीच बीच में गाते जाते थे, माँ खाना दे माँ खाना दे। माँ खेत सिंह के आने की बाट जो रही थी, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह बोली, रुक जाओ, तुम्हारे पापा गट्ठा बेचने शहर गए हैं, वह कुछ लाएंगे, उसी से खाना बनेगा, घर में कुछ नहीं है। बच्चे फिर खेल में लग गए, भूख तेज लगी थी तो माँ खाना दे माँ खाना दे तेज तेज और जल्दी जल्दी गाने लगे। माँ बड़े पसोपेश में थी कि क्या करे, करे तो क्या करे। बच्चों का ध्यान बटे यह सोचकर माँ ने कहा, आंगन में पट्टी बिछाओ और थाली लेकर बैठ जाओ। माँ की यह तरकीब भी बहुत देर तक काम न आई। अब तक बच्चे अधीर होकर यानी बेचैन होकर थाली बजाते हुए गाने लगे थे, माँ खाना दे माँ खाना दे। माँ अंदर गई और सुबह के खाने की हांडी खुरचने लगी, फिर बाहर आकर तीनों थालियों में थोड़ी थोड़ी खुरचन परोस दी। तीसरी थाली में लगभग कुछ ना था। बच्चा बोला, माँ देना। माँ बोली, दिया तो खाना। बच्चा बोला, क्या खाऊं, पूरी थाली में तो चांद चमक रहा है। माँ रुआंसी होकर बोली, क्या दूं, तू तो चांद को ही खा ले। माँ झोपड़ी के पीछे जाकर रोने लगी और आसमान में चंदा यह सब देखता रहा। तो यह थी कहानी, एक थाल चांद भरा।